अभी थोड़ी सी प्ले देखी, हर एक बात से हर एक को अनुभव करना पड़ेगा। एक ज्ञान है अनुभव का, सुनी सुनाई बात नहीं, जानी हुई होनी चाहिए। ये पूरा ज्ञान हर एक मंच को अनुभव करने का है। तो कैसे, जहां प्रेम है वहीं परमात्मा प्रेम वाले के पास पहुंच जाता है, प्रेम वाले को ही परमात्मा मिलता है, इश्क वाले को ही परमात्मा मिलता है। आयो इश्क अंदर मंज पेई तो आयो साई अंदर मंज पेई। व्यास संसा भड़म सबे, अंदर का संसा भड़म जो भी भीतर में सब निकल जाता है जब अंदर में इश्क आता है। दुनिया में मिजाजी इश्क होता है, परमात्मा के साथ हकीकी इश्क होता है, दोनों ही इश्क है। मिजाजी इश्क में भी कई जान दे देते हैं, और कई तो मैंने लड़कियों को देखा है सदियों से, लैला मजनू, शेरियन फड़ियाद, ससई पन्नू, उनको परवाही नहीं है दुनिया की, परिवार की, सब को छोड़ के बस एक साधारण मनुष्य से इश्क करते हैं और उसमें अपना सर भी कुर्बान कर देते हैं, जान कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जो सच में जो परमात्मा से प्रेम करता है उसको भी परमात्मा मिल जाता है, और उसके हृदय में अंदर बाहर जैसे परमात्मा ही बस जाता है। शाह अब्दुल लतीफ, उसको भी एक दिन आके इश्क लगा था, लड़की से जवान था, नेचुरल है सुंदर लड़की जब कोई देखता है तो दिल लग जाती है, इश्क हो गया। तो लड़की के माँ बाप ने बोला ये शादी तुमसे नहीं हो सकती है, तुमसे नहीं कराएंगे। तो जब किसी से इश्क होता है और सामने वाला जवाब दे देता है तो दिल टूट जाती है। उसकी दिल टूट गई थी, हैरान परेशान उदास मायूस। उस वक्त उसको एक संत मिला, सूफी फकीर, बोला क्या बात है तुम बहुत उदास उदास हैरान परेशान दुनिया में रहता है, बात क्या है? बोला मैंने एक लड़की से इश्क किया था, अभी उनके माँ बाप बोलते हैं तो उसकी शादी तेरे साथ नहीं होगी, मैं बहुत हैरान हूँ परेशान हूँ। प्लस में हैरानी परेशानी की बात क्या है, दो पैसे एक शरीर से एक रत रोग के पुतले से तुमने इश्क किया है और उसके पीछे अपनी जान दे देता है। आओ तो मैं तुमको इश्क सिखाता हूँ, इश्क करो खुदा से परमात्मा से, अल्लाह से इश्क कर, जहां तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तेरे अंदर जब पहले ही मिजाजी इश्क का भी तुमको पता है क्या होता है तो हकीकी इश्क भी तुम्हारा हो जाएगा। बस उस दिन से उसको परमात्मा से खुदा से इश्क हो गया, और जब इश्क में उसको अंदर में दीदार हो गया, जब अंदर में दीदार हो गया तभी उसने बोला कि आ राणियों अवां छा डिठो है, जेकी डिठो है सो मुंह डिठो है, सज चंड तारण खां ताब मुझे महबूब जो दिखो है, मिस्रीअ खां माखीअ खां जेको मेठा जाए वो मुझे महबूब में मिठो है, ऐं जॾहिं मुंहिंजे मुर्शिद मोॾा नियाड़े अखियूं चार थी वियूं, मां बेखबर थी वियुसि, मूंखे पंहिंजी ख़बर ई कोन पई। इश्क में पंहिंजी ख़बर कोन पवंदी आहे। मां ॾिसंदो आहियां हिते बि जेॾी महिल केरु झूमंदा आहिनि, नाचंदा आहिनि, म्यूज़िक पियो हलंदो आहे त हुन जी ख़बर कोन पवंदी आहे केरु ॾिसे वेठो, छा वेठो करे, कीअं पियो नचे, छा पियो करे, की पियो करे। ओॾी महिल देह अध्यास ख़तमु थी वेंदो आहे। तॾहिं मां सभिनी खे चवंदो आहियां परमात्मा खे ॿ ॻाल्हियूं ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं अथव। हिकु सफ़ाई, त हिते अचूं था त रोज़ु अंदर जी सफ़ाई कजो, त मां अंदरि साफ़ दिलि आहियां, हेरा फेरी ठगी हिपोक्रेसी अंदरि हिकु ॿाहिरि बि उहो साफ़ दिलि कोन हूंदो आहे। इन करे हुनखे परम शांती कोन मिलंदी आहे।
ऐं क्राइस्ट त चयो त हीअ दुनिया जा माण्हू जेके तव्हांखे ॾिसण पिया अचनि ॿाहिरां, उहे अंदरि मन जा ठग थींदा आहिनि, बेईमान थींदा आहिनि। उन्हनि जे अंदरि हिकु ॻाल्हि हूंदी आहे, ॿाहिरां ॿी ॻाल्हि कंदा आहिनि। तंहिंजे करे रोज़ अंदर जी सफ़ाई कजो, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार न थिजो, ज्ञानी न थिजो, पर साफ़ दिलि थी वञिजो, क्लीन माइंड थी। ॿियो अथव संगीत। मीराबाई संगीत में बेहोश थी वेंदी, ख़बर ई कोन पवंदी हुअसि। ऐं उन ज़माने में उन्हनि जा जेके हूंदा साहुड़ा ससुराल वाला, जीअं नंढनि गांवनि में बि ससुराल वारा ॾाढा बरकलाप थींदा आहिनि, पोती मथे में कोन रखी अथसि, धिका थी खाए, हीअ थी करे, हू बि मौज में अची परमात्मा जे कृष्ण जे मौज में जेॾी महिल नचंदी हुई, कीर्तन भॼन अहिड़ो पियो हले, संगीत अहिड़ो पियो हले, हुनखे ख़बर ई कोन पवंदी हुई। त चवंदा हाणे हीअ जेका आहे असांजे हली सॼे शान मान सॼो विञाए छॾींदी, कुल नाची आहे, गाॾियूं पई मिलंदी अथसि, पर हुनखे ख़बर कोन पवंदी आहे। त संगीत में बि एॾी ताक़त आहे, एॾो असरु आहे कि देह ख़लास देह भुलिजी वेंदी आहे। भॼन कीर्तन में बि कॾहिं कॾहिं माण्हू ताड़ियूं पियो वॼाईंदो आहे, कॾहिं नचंदो पियो आहे, कॾहिं म्यूज़िक पियो हले, कॾहिं छा पियो हले, त हू बेहोश थी वेंदो आहे। चवंदो आहे मूंखे त ख़बर ई कोन थी पए, मूंखे ॼाण ई कोन थी मिले मां कीअं पियो नचां। पोइ जॾहिं बेहोशी मां वरी होश में ईंदो आहे त केरु चवनि तूं हीअं फिरदा, तुंहिंजो पलू पिए लही वियो, हीअ पिए थियो, कीअं पिए नचे। चई हा मूंखे त ख़बर ई कोन पई छो त ओॾीमहिल बेहोश। त आयो इश्क़ु अंदर मंझि पई, त आयो साईं अंदर मंझि पई। शल असांखे बि परमात्मा जे लाइ अंदर में इश्क जाॻे, सर्व शब्दनि सां न पर अंदर में, अंदर में हिकु परमात्मा जे लाइ प्यास जाॻे, परमात्मा जे लाइ अंदर बुख लॻे। जॾहिं बुख लॻंदी आहे चवंदो आहे कुझु बि खणी अचो, मिड़ी कुझु बि ॾे, मूंखे ॾाढी बुख लॻी आहे, अग्नि तेज़ थी वई आहे। प्यास लॻंदी आहे चवंदो कुझु बि प्यारु, लस्सी हुजे, छाप हुजे, पाणी हुजे, जेकी हुजे, मिड़ी कुझु मूंखे ॾे, मूंखे प्यास ॾाढी लॻी आहे। अहिड़ी तरह शल असांजे अंदर में की जॾहिं गुरु थो मिले त असांजे अंदर में प्यास थो जॻाए, बुख लॻे परमात्मा जे लाइ। बसि उन खां सवाइ मां जी न सघंदुसि। त पार ब्रह्म की जिस्मन भुख, तिसको कदी न लाॻे दुख। उनखे कॾहिं बि दुख लॻी नथो सघे जंहिंजे अंदर में पार ब्रह्म परमात्मा जी बुख अची लॻी आहे, प्यास अची लॻी आहे अंदर में। बसि उन खां सवाइ मां जीअरो न रही सघंदुसि। छल अहिड़ो इश्क़ु असांजो जाॻे। तॾहिं हिकु दफ़ो जॾहिं मजनू वटि परमात्मा ख़ुदि आयो आहे, चए थो मां ख़ुदि ख़ुदि आहियां। चए थो ॿुध, जेकॾहिं मूं वटि अचिणो अथई त लैला थी अचिजांइ, बाक़ी मां तोखे कोन मञंदुसि, छो त मुंहिंजो इश्क़ु हाणे लैला सां थी वियो आहे। ईअं पहिरीं गुरूअ सां इश्क़ु थींदो आहे, वञी गुरूअ सां हली चइबो आहे इनखे, इन सां गॾु रहां, इन सां गॾु विया, इन सां गॾु बातियूं कढियां, गुरू मूंसां गॾु हुजे, मां गुरूअ सां गॾु हुजां। पोइ वरी गुरू चवंदुसि त हाणे मुंहिंजे ज्ञान सां प्रीत रखिजांइ। सचो गुरु कॾहिं बि पंहिंजे शरीर में कंहिंखे कोन फासाईंदो, हू देह खां मथे आहे, असांखे देह खां मथे कंदो। देह से ऊपर गुरु करता है, उठ जाग। ये देह सबकी फानी, अदला बदली देख रहे हैं, मन को दिखाना। किसी ने सुबह को पूछा पछड़ी को, तो अंदर कैसे जाएं, अंतर्मुखी कैसे हैं, अंदर कैसे जाएं। भाई सब बोलते हैं टुबी लगाओ, अंदर जाओ। अंदर जाओ मना अपने मन को देखना, ये मेरा मन कहाँ जाता है, माया में ज़्यादा अच्छा लगता है, माया में प्रीत है या परमात्मा से प्रीत लग गई है। जिसकी प्रीत परमात्मा के साथ लग गई, यह है अंतर्मुखी, वो कभी जिंदगी में दुखी नहीं होएगा। अगर हमारा मन माया में घूम रहा है तो कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। अज्ञानी जीव जी हालत कदें कहरी कदें कहरी, जरे सुखी जरे दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। ये इच्छा भी ऐसी बली है, ऐसी बली है, और इच्छा एक चंडाल भी है। ये चाह चमाड़ी छेड़ी अति नीचन ते नीचे है, नीचन ते नीचे चाहना इच्छा, जिसके वजह से ये हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। अंत समय में भी कोई ना कोई वासना इच्छा रह जाती है, वो घुमा के फिर हमको वापस लेके आती है। तभी बोलते ये चाह चमाड़ी छेड़ी अति नीचन ते नीच। तू तो पार ब्रह्म है, तू तो पार ब्रह्म है, जो चाह न होती बीच। अगर बीच में ये चाहना न होती
तू तो पार ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ये रुकावट कौन सी है? क्या छोड़ने का है, क्या अंदर जाने का है? अंदर यही जाने का है, अपने को देखने का है। मेरे अंदर में कुछ इस देह का अहंकार तो नहीं रह गया, सारा दिन मैं तो नहीं करता हूं। मेरे अंदर कोई वासना कोई इच्छा तो नहीं रह गई है? ये डैन है, ये हमको वापस जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगी। चमाड़ी है, चेड़ी है, जमानदार है, बच के रहना। पहले जमाने में तो जमानदार के पल्लू से कभी कुछ कोई लग गया, कोई शरीर का अंग लग गया, बोलता ना हक क्या हो। लेकिन ये तो अंदर शरीर से अंदर भीतर में अंदर मकान बना के बैठ गई है, जगह बना के बैठ गई है, चमड़े के तरह ऐसे चिपक गई है। इच्छा के वजह से ही तो सारी दुनिया दुखी है। ये क्रोध कहाँ से आते हैं बच्चे को? भाई बच्चा है क्रोध बहुत करता है, मेरा बेटा है क्रोध करता है, मेरा मर्द है क्रोध बहुत करता है, मेरी औरत है क्रोध बहुत करती है। लेकिन क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का एक ही कारण है, इच्छा की अपूर्ति। इच्छा की अपूर्ति माना क्रोध आ गया, मैं चाहता हूं ये बात ऐसी होनी चाहिए, नहीं होगी। एक बात मेरी आज याद करके जाना, ये ध्यान देना। खास भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, बच्चा जैसे जन्म लेता है तो अपना संस्कार लेके आता है। तुम देखना हर एक बच्चे का अपना संस्कार होता है, और जैसा संस्कार लेके आता है वो अपने स्वभाव में चलता है। अभी स्वभाव को कैसे भाव में वश करेगा? स्वभाव को भाव में वश करेगा ज्ञान से। कैसा भी किसी का स्वभाव होए, लेकिन ज्ञान से अपने स्वभाव को वश कर सकता है, अपने मन को वश करता है। क्योंकि ये ज्ञान कोई हंसी मश्करी का नहीं है, भाई गुरु से मिलाप हो गया, घुमा फिरा कट्ठे बैठे, ये किया, दीदार हो गया, तस्वीर निकाली, ये किया, साथ में बैठा, भाई मेरा गुरु नज़दीक हो गया, मेरा गुरु दोस्त हो गया, मैं गुरु के साथ रहता हूँ, ये करता हूँ। नहीं, ये कोई बाहर की बात नहीं है, ये सारी अंदर की बात ही है। गुरु के वचनों को हृदय में बसाना पड़ता है। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून ना आवे। अगर जन्म मरण के चक्कर से छूटने का है, ये वचनों को उसको हमको अमल में लाने का है, प्रैक्टिस करने की है, अभ्यास करने का है, मेहनत करने की है, अपने साथ लगाने का है। एक ये ज्ञान में कठिन साधना है, बिगर साधना के ये ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है। ये कोई हंसी मश्करी में नहीं समझना। दो पैसे का एग्जाम देते हैं भाई, आज CA का इम्तिहान देने का है, कई फेल होके आते हैं, कई फेल होके आते हैं। इसमें भी कई इसीलिए फेल हो जाता है, तो इसने साधना, तुमने ज्ञान तो सुना, गुरु से प्रीत तो की, साधना पूरी किया है, तो भला भाई क्या साधना करे? साधना यही है, सत्संग में आते आते अभी तुम्हारा विवेक जागृत हो रहा है। गुरु का काम होता है रोज विवेक को जागृत कर। आज लाफिंग के लिए मेरे को लेके चले थे स्वामी विवेकानंद का गार्डन था, बड़ी सुंदर तस्वीर बनाई है स्वामी विवेकानंद ने। लेकिन उसके वचन कौन से है? वो कोई मूर्ति को देखेगा, तस्वीर की तस्वीर निकाल के आएगा, भाई कितना सुंदर तस्वीर बनाई हुई है, स्वामी विवेकानंद की है, ये है, वो है। लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या बोलता है, उनके जीवन का आदर्श क्या है, वो कोई नहीं देखता है। तो उसके जीवन का आदर्श है, पहले पहले तमोगुण छोड़ देना, राइस एंड अवेक, जाग, आया है जागने के लिए, सुस्ती छोड़ देना, अराइस एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट। कभी भी बीच रास्ते में खड़ा नहीं हो जाना, चले हैं तो चलते चलना, आगे बढ़ाओ कदम, आगे बढ़ाओ कदम। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मन से जन्म को यूं नहीं खोना। Arise and awake and stop not till the goal is reached। मंजिल तय हुई नहीं है तो साधना में पहले पहले गुरु हमको विवेक जागृत करता है। और जिस दिन जिसका भी विवेक जागृत हो गया, उस दिन से उसके अंदर में वैराग वृत्ति आ जाएगा। वैराग के सिवाय आज तक न कभी किसी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और न कभी होगा। ये ध्यान देना अंदर में।
ये वचनों को अंदर लेके जाना हृदय में, बिगर वैराग्य के भाई इसको ज्ञान हो गया नहीं होता है। पहले विवेक फिर वैराग्य चालू हो जाएगा। अभी वैराग्य में क्या होता है ये भी समझने का है। कई समझता है भाई अभी कपड़ा छोड़ दे, नहीं कुछ नहीं छोड़ने का है भाई। क्या खाना छोड़ दे, नहीं खाना भी नहीं छोड़, घर छोड़ दे, नहीं घर भी, लिबास छोड़ दे। अच्छा भाई हम वेजिटेरियन बन जाए ये करें, वेजिटेरियन कोई दुनिया में है भी नहीं। ये तुमको बैड से जो वेजिटेरियन मिलती है ना बैड से, भाई ये वैष्णव खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, वो वैष्णव होते भी नहीं है। क्योंकि वैष्णव को अर्थ ही नहीं, और तो आता है वैष्णव के, वैष्णव सो जो पीर पढ़ाई जाने रहे, वैष्णव सो जो विषयों ते माया ते होवे भिन्न। जिसको विषयों से विकारों से कोई दिल नहीं है, माया से कोई दिल नहीं है, वो वैष्णव होता है। वैष्णव कोई ऐसे नहीं है जो दाल चावल खाते हैं, वो क्रोधी भी बहुत होते हैं। दाल चावल खाने वाले, आलू खाने वाले भी बहुत क्रोधी होते हैं, कई बदकर्म भी करते हैं, वो सच्चे वैष्णव नहीं होते हैं। सच्चे वैष्णव के लिए तो अच्छी तरह से ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो वैराग का मतलब है अंदर में जो हमारे अंदर ममता है, पकड़ के बैठे हैं किसी न किसी को मन से राग, और किसी न किसी से दुश्मनी। भाई इसका तो चेहरा देख से ही मालूम नहीं मेरे मन में हलचल होती है, भूलता ही नहीं है बस। कई बरस मैंने देखा है ज्ञान सुनने के बाद भी, और अपने को वो समझते हम बड़े ज्ञानी भी हो गए हैं, लेकिन जैसे दुश्मनी होती है ना, तुमको अगर उसका परीक्षा लेने की है ना तो उसकी सराह करना, बस देखना क्या करता है। बोलेगा ये अरे मैं उसको जानता हूँ, गुरु आपको भी पता नहीं है, ये जो पका चोर है, ऐसा है, ये है, बदकर्मी है, वो है वो है, बात करता रहेगा, गुस्सा ही गुस्सा, अंदर में दुश्मनी जाती नहीं है। तो आज जो है वैराग मतलब है वैराग, राग और द्वेष दोनों एक तीखी तलवारें हैं जो मन को काटती रहती है। जोड़ी भी अंदर मन से जो है तलवार अंदर रख के अपने को काट रहा है, दुखी दुख को खरीद कर दिया है। तभी गुरु के प्रेम से खाते हैं वैराग वृत्ति। छोड़ना क्या है, अहंकार और इच्छा। वो अहंकार इच्छा कोई छोड़ता ही नहीं है। जैसे अहंकार इच्छा चला गया और सत्य और झूठ की पहचान मिल जाएगी। सत्य परमात्मा, सत्य आत्मा, जो आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य, बाकी जो सारी है माया। अभी अंदर देखना भाई, अंतर्मुखी होने का है, अंदर कैसे जाए अभी देखना। तुम्हारा मन माया में लगा हुआ है या तुम्हारा मन परमात्मा से जुड़ गया है, आत्मा से जुड़ गया है। वैराग वाले को एकदम अंदर पता लग जाता है, एकदम, तो मेरी दिल अभी परमात्मा से लग गई है, क्योंकि मेरे को पता लग गया है। तो ये आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक हसी भी सत। हे अर्जन, सत का कभी अभाव नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं होगा, याद रख। झूठ को कितना भी पड़ेगा, सकल सृष्ट का राजा दुखिया, माया कितनी भी मिल जाएगी तुमको शांति नहीं मिलेगी। और मेरे तो अंदर आता है जब कोई भी ये गेट के अंदर इधर मेरे पास आता है या सत्संग में आता है या एंटर होता है, तो एक लक्ष्य रख के अंदर आना। ऐसे नहीं तो ये क्लास चल रहा है CA का और तुम भूल से जो है समझो भाई मेरे को 10th क्लास में जाने का है, नहीं ये CA का क्लास चल रहा है, इधर मुक्ति का क्लास है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं तो देवी देवता की जाके पूजा करना, अपनी तो इच्छाएं जाके पूरी करना, उससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, याद रखना। स्वर्ग का सुख मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, माया मिलेगी समझा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तो इधर जब आओ, इधर एक लक्ष्य रख के आओ, तो इधर मेरा लक्ष्य है, मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को परम शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये एक लक्ष्य रखना अपना, द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। मनी इतनी मिलेगी तुम थक जाएगा, और मेरे पास तो अभी इतनी जितने भी आए हैं इतनी बरकत उनको हो गई है, इतने पैसे मिल गए हैं, इतने पैसे मिल गए हैं, और भी बढ़ते जाते हैं, और भी बढ़ेगा, लेकिन उससे तुमको शांति नहीं मिलेगी। ये तो तेरी प्रलब्ध है, मिलने वाली है, तुमको मिलता रहेगा।
लेकिन ये आत्मक धन जो है भाग्यशाली को मिलता है जिसके अंदर लगन है और गुरु भी उनके ऊपर कृपा करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है, बेरा पार हो जाता है। जब तुम्हारे अंदर वैराग्य आएगा, अभी तुम अपने मन को जान सकेगा, अभी तुम्हारा मन वश में रहेगा, शम दम, अभी इंद्रियां वश में रहेगी। मेरे को तो कभी कभी ऐसा अनुभव होता है तो दुनिया में बड़े पाप कर्म जो होता है वो आंखों से होता है। दूसरे के धन में नजर रखते हैं, दूसरे के स्त्री में नजर रखते हैं, बैर मुखी होते हैं, बैर आंखें ऐसे ऐसे घूमती है, दूसरे को जज करते हैं। तो ये मना है शास्त्रों में, क्राइस्ट की मना है, हे मन से जाता है दुनिया में अपने को जज करना, और मन ऐसा है आंखें देखे दूसरे को जज करता है। तभी कबीर बोलता है, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजू अपनी तो मुझसे बुरा न कोई, बुराई अंदर है। तो मन को बस रखना, इंद्रियों को बस रखना, पांव को देखना कहाँ जाता है, कान को देखना क्या सुनता है। आज के बाद कोई निंदा गिला करे उसको शांत करा देना, बोला मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ परमात्मा का गुणगान गाता हूँ और परमात्मा की बात सुनता हूँ, ये निंदा गिला जाके तुम करना, क्योंकि कर्म बनाना, कर्म करना बहुत सरल है, बीज डालना सरल है, लेकिन जब फल निकलता है तभी मन से बहुत रोता है, अरे भगवान मेरे कोई क्यों तकलीफ दिया है, मैंने क्या किया था, मेरी एड्रेस तेरे पास है क्या, ये है क्या, बीज तेरा है, फल तुमको खाना पड़ेगा, और तुमने ही बीज डाला है, आप ही बीज आप ही खाए, तुमको ही खाना पड़ेगा, कोई भागने की खिड़की नहीं बनी हुई है अभी, इसीलिए जो भी तुमको मिलता है फल राजी रहना, हाय हाय नहीं करना। फिर गुरु में तुम श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और यहाँ आके इतनी तुम कठिन तपस्या करते हैं, इसका फल तुमको इतना मिलता है, ये जितने भी तुम कदम लेके आए हैं ना, ये तुम्हारे यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे जैसा जितने तुम बैठे हैं, तुम्हारे जितना भाग्यशाली दुनिया में आज तक न कभी पैदा हुआ है न कभी होगा, तुम अति अति बेहद भाग्यशाली है जो जिसको तुम्हारे अंदर में परमात्मा के लिए प्यास जागी है। बहुत गिनती करने जितने होते हैं जिसको परमात्मा के लिए प्यास जागती है, बाकी माया के लिए सब तैयार बैठे हैं, भीरम भीड़ लगी पड़ी है, दौड़ भाग लगी पड़ी है, सारा दिन सुबह से रात तक माया कमाने की है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो तुमको तो अभी लगन लगी है परमात्मा के लिए, ये एक बड़ी अति भाग की निशानी होती है। और यहाँ जब आते हैं तो जो बात नहीं समझ में आए तो समाधान जरूर करके जाना, उत्तर प्रश्न करके अंदर में समाधान करके जाना, और जब यहाँ आओ तो एक लक्ष्य रख के आना, मैं चाहता हूँ ये क्लास जो है वो है मुक्ति का, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का है, दुखों से छूटने के लिए है। बाकी अंदर कोई इच्छा है तेरे अंदर तो कई इधर मंदिर है, यहाँ भी कई मंदिर है, देवी माता के मंदिर है, शिव भगवान के मंदिर है, साईं बाबा के मंदिर है, कई मंदिर है, राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, जाके देवी देवता की पूजा करो, तुम देवताओं को राजी करेगा, देवता तुमको राजी करेगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग का सुख तक, देवता के पास अथॉरिटी जो है वो स्वर्ग के सुख तक, इंद्र का राज मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति सर्व सच्चे गुरु से मिल सकती है, शांति ब्रह्म ज्ञान से मिल सकती है, शांति आत्मा के ज्ञान से मिल सकती है, शांति आत्मा को जानने से मिल सकती है। जो जो जाने तिस सदा सुख होवे, जो जो जाने तिस सदा सुख, सदा ही के सुखी रहने के लिए तुमको जरूर अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा, और वो जगाने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है, सतगुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु से भी काम नहीं होता है। कई गुरु तुमको रास्ते में मिलेंगे, अनेक गुरु मिलेंगे, लेकिन तुमको परम शांति नहीं मिलेगी, लेकिन सतगुरु जो सच में सत को जान के बैठा है और सत में हमको टिकाता है, उससे हमारा कल्याण होता है। पूरे गुण का सुन उपदेश त पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर पे, नील में ही तुमको दर्शन करे, काछे गुरु थे मुक्त न होए।
जो कच्चे गुरु है, जिनको अंदर में खुद ही इच्छा लगी पड़ी है, अहंकार लगा पड़ा है, अपने विषय विकार में लगे पड़े हैं, उससे तुम्हारी गति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पूर्ण गुरु जब मिलता है और जो हमको आत्मा का ज्ञान सुनाता है, आत्मा में हमको टिकाता है, तो तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है, शरीर तेरा फानी है, शरीर अदला बदली है, शरीर रोज चेंज हो रहा है, शरीर कच्ची मट्टी का मटका है, टूटने वाला है, टूट रहा है, देखना अंदर में, मन को दिखाना ये शरीर तुम्हारा टूटने वाला है। और जो भी हम ठगी चोरी पाप कर्म मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, जितना कुछ है वो सब यहाँ छोड़ के जाने का है। आया नंगा जाएगा नंगा, आया खाली हाथ जाना खाली हाथ है, लेकिन कोई खाली हाथ जाता नहीं है। आया भी कर्मों की गठरी लेके आया है, जाने के समय भी कर्मों की गठरी लेके जाता है, लेकिन ज्ञान से, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म। अभी इधर जबरदस्त यज्ञ हो रहा है, बाहर से तो दिखाई नहीं देता है, तो कोई हवन यज्ञ हो रहा है, बड़ा हवन यज्ञ हो रहा है, अग्नि भी जल रही है, इसमें आहुति डाल देना अपने विषय विकार की, अहंकार की, इच्छा की। ओम स्वाहा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, सब जन्मों के कर्म तुम्हारे जल के भस्म हो जाएगा, बशर्तिक नया कर्म नहीं बनाने का है। आज के बाद नया कर्म नहीं बनाना, कोई गलत कर्म नहीं करना, सच के रास्ते में चलना, परमात्मा के रास्ते में चलना, हमेशा प्रेम में रहना, निम्रता भाव में, सेवा भाव में रहना। नानक को हमेशा बोलते हैं, नानक निरंकारी, चले आखिरी दम तक हमारा जो है मन निम्रता भाव में रहे। निम्रता वाला कभी मरता भी नहीं है, निम्रता माना न मरता, वो कभी मरता भी नहीं है। तो हमारे अंदर में सेवा भाव जब आ जाएगा, ये ज्ञान आ जाएगा, परमात्मा के लिए प्यास होगी, लगन होगी, इश्क होगा, तो जिसके भी अंदर में इश्क लगन है उसको परमात्मा मिल गया है। अहल्या जैसे पत्थर को भी भगवान ने तार दिया, पत्थर हो गए पांव रखा, तो लोग समझते शायद पत्थर को जाके तारा था, नहीं। कई आते हैं जिसकी दिल पत्थर दिल होती है, सख्त दिल होती है, कठोर दिल होती है, वो भी जब ये ज्ञान सुनता है वो भी मोम के तरह गल जाता है, नरम दिल हो जाता है, प्यार वाला दिल हो जाता है, निम्रता वाला दिल हो जाता है, सेवा वाला दिल हो जाता है। तो ज्ञान के बाद शल हमारा जीवन जो हुए निम्रता भाव हुए, सेवा भाव हुए, परमात्मा का भाव हुए, सच्ची समाधि लग जाएगी। कई लोग समाधि में बैठते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, जो जो भी मंत्र गुरु से उनको मिलते हैं या जो भी मंत्र वो समझते हैं अच्छा है, जप करते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि समाधि का अर्थ भी नहीं जानते हैं। समाधि के लिए ये ज्ञान की जरूरत है। फिर तुम्हारी हो जाएगी समुत्त बुद्धि, संभावना, समदृष्टि, लग जाएगी समाधि। समुत्त बुद्धि, संभावना, समदृष्टि, आहे अल्लाह, भाई क्या देखते हैं परमात्मा, तुम इतने लिबास पहन के आया है, लेकिन अभी मैं भूलूंगा नहीं, नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं, तो ये तो शाहूकार है, ये राजा है, ये गरीब है, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये होशियार है, चालाक है, चतुर है, ये चतुर नहीं है, ये इस जात का है, ये इस जात का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अभी तुम्हारी दृष्टि बदली हो जाएगी, समदृष्टि। भगवान तुम कोई भी लिबास पहन के आएगा, मैंने तुमको पहचान लिया है। रामदेव जब कुत्ते में भगवान देख सकता है, तो क्या हम मंच में भी भगवान नहीं देखें? ये दृष्टि गुरु से, ये नज़र मिलती है, ये रब नो देखने वाली आँख, ये आँख गुरंतु लीती, यहाँ से ये आँख लेके जाना, ये नज़र लेके जाना, जितने देखा तिते तू, जितने देखा तिते तू, जितने देखा भगवान तुम। ये लिबास इतने पहन के आए, कहाँ पुरुष बन के बैठा है, कहाँ स्त्री बन के बैठा है, कहाँ राजा बन के बैठा है, कहाँ फकीर बन के बैठा है, लेकिन मैंने तुमको पहचान लिया है। यही नज़र गुरु से मिलती है, तभी हमारा सबका कल्याण हो जाता है, बेरा पार हो जाता है, आना भी सफल हो जाता है। और ये गारंटीड ज्ञान है,
कोई जीवन में लगाए और मुक्त ना होए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो तुम आज ही मुक्त होके जाना, ये तो ज्ञान है, एक पल में मुक्त होने वाला है। एक घड़ी आधी से पुन आध संतन से ती गोष्ठी जोकिनो सोला। तो ये हमारा मिलन हुआ है, जितना भी मिलन थोड़ा भी हुआ है लेकिन गारंटी है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरा पार हो जाएगा। आज ही सब तुम जितने भी आए हैं सब मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये गारंटीड ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, प्योर ज्ञान है। यकीन करना और अंदर में ये अहंकार करना, यस मैं मुक्त हूं। अगर मन बोले मुक्त नहीं है, बोला क्यों नहीं है, कोई अहंकार है तो आज ही निरअहंकारी हो जाना, कोई इच्छा है आज ही निरइच्छा हो जाना। तो बस ये दोनों का ही त्याग करने का, अहंकार इच्छा का, तुम सबका कल्याण हो जाएगा, मेरा पार हो जाएगा। सदाई आनंद में, मौज में, मस्ती में रहना, झूमते रहना। जैसे म्यूजिक चलता है तो पांव आपे ही चलते हैं ना, तो अंदर वाला मन में, अंदर में आनंद 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 भया मेरी माई, सतगुरु मैंने पाया, सतगुरु पाया, सहज सेती मन वलिए वधाइयाँ। मन में वधाई होनी चाहिए, मेरा काम पूरा हो गया, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा, काम खत्म हो गया। जिसकी तलाश थी अंदर में ही परमात्मा मिल गया है, कल्याण हो गया है, काम पूरा हो गया है। काम पूरा करके पूरा सतगुरु भेटिया, फिर पूरी हुई जुगत पर हसंदियाँ खेलंदियाँ खावंदियाँ, विचई होवे मुक्त, तो तुम भी सही मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेरा पार हो जाएगा।